हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। तीसरा दिन है गुलमत में। पहले हमने गुलमत एक्सप्लोर किया था, आज हम आगे जा रहे हैं टुवर्ड्स पसू एंड सुस्त। उसके बीच में जितनी भी अट्रैक्शंस हैं, कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम जो हम डिस्कवर कर सकते हैं, जिनको एक्सप्लोर कर सकते हैं, वो करें। तो वी डोंट हैव मच टाइम, जस्ट 3-4 आवर्स मोर ऑफ सनलाइट, उतनी देर में हम उसको मज़ीद एक्सप्लोर करेंगे। वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि आज राजा साहब दोबारा हमें टाइम दे रहे हैं। इट्स सो नाइस ऑफ देम के दे आर शोइंग अस अराउंड, और इनके साथ घूमने का हमें जो एक्सपीरियंस है डैट इज़ वेरी डिफरेंट। अगर हम अकेले घूमते तो हम उस तरह से एक्सप्लोर ना कर पाते। ये हमारे साथ है तो वी हैव अ लोकल आई टू ऑब्जर्व इस तरह से। सूरज चमक रहा है, हल्की हल्की सी ये शाइनिश हुई हुई है, बट स्टिल इट्स नॉट मेल्टिंग, इट्स देयर। और 15 दिसंबर से 15 जनवरी तक ये जो होती है वो बिल्कुल शीशे की तरह जमी होती है, वो इनका पीक टाइम है प्रैक्टिस करने के लिए। पर इट्स सो नाइस, इट्स फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ मैं आइस के ऊपर चल रहा हूँ, अनरियल लग रहा है बड़ा। हाँ भाई अफजल, मारा स्केटियाँ, क्या बात है यार। मेरा नाम कादिर करीम है, मैं बेसिकली एक स्टूडेंट हूँ, स्टूडेंट ऑफ टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट। मैं बीएस कर रहा हूँ टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट कराकोरम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी हंसा कैंपस से। इस काम को स्टार्ट करने का मकसद ये है कि टूरिज्म को प्रमोट करना और विंटर स्पोर्ट्स जो है उसको आगे प्रमोट करना। मैंने जो ट्रेनिंग हासिल की थी, मैंने पाकिस्तान एयरफोर्स के साथ ट्रेनिंग हासिल की है। पिछले 3 साल से मैं अपना क्लब चला रहा हूँ, गुलकिन विंटर क्लब के नाम से। और यहाँ पे हमारे पास नॉट जस्ट ओनली बॉयज़, हमारे साथ यहाँ पे गर्ल्स भी होते हैं, गर्ल्स भी हमारे साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं। यहाँ पे मोर देन 120 पार्टिसिपेंट्स हैं हमारे पास। हम यहाँ पे 20 दिसंबर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, एंड 31 जनवरी को हम लोग क्लोज कर लेते हैं। अच्छा अच्छा, यानी कि अभी नहीं कर रहे अभी, मतलब वेदर अगर हमारे साथ मतलब होता है तो फिर कर सकते हैं, इसके अलावा हमारे पास ऑप्शन नहीं होता है। सही सही सही। तो आज जो है आज 4th फरवरी है, तो इसलिए अनफॉर्चुनेटली हम नहीं देख सके। अच्छा, स्पोर्ट्स वालों का दिल करता होगा यहाँ पे खेलने का, और मेरा दिल यहाँ पे कर रहा है बैठ के टेबल रख के कुछ खाने का। खाने के लिए बड़ी अच्छी जगह, गुड स्पॉट। हाँ बैक ऑन KKH, और आगे स्टॉप लिया है पसू कोंस के व्यू पॉइंट पे। तो इस टाइम पे अच्छी खासी स्लाइडों पे बर्फ और ज़्यादा नज़र आने लग गई है। पीछे जो है वो पसू ग्लेशियर है, और उस तरफ जो है वो पसू कोंस का व्यू है। अच्छी बात ये कि आज सनलाइट काफ़ी ब्राइट है, मौसम और विजिबिलिटी के हिसाब से बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है। ये जो पहाड़ हैं ये थोड़े नोकीले होते हैं, इनकी नोक की तरह से चुंजे निकले होते हैं, डेट्स वाई इनको पसू कोंस कहा जाता है और पसू कैथीड्रल भी कहते हैं पिक्चर में, शायद मेरा नहीं ख्याल, लेकिन जब भी आप इसे रियल में देखेंगे बड़ा डिफरेंट लगता है बाकी पहाड़ों से। जब आप नेचर लवर होते हैं या नेचर को थोड़ा सा आप अंडरस्टैंड करने लग जाते हैं, तो अब आपको डिफरेंट पहाड़ों की टेरेन, उनके स्ट्रक्चर से फ़र्क नज़र आने लग जाता है, मतलब अगर आप शौक रखते हैं। अगर अदरवाइज़ तो फिर देर ऑल सेम, चाहे जो सा मर्जी, जिसको नई शौक वो लगेगा, नंगा पर्वत भी पहाड़ी है, तो कलर कार भी कितने भी जाके देख लो भी पहाड़ी है। और अभी आगे पसू में दोबारा रुके हैं, ऑल टाइम फेवरेट यहाँ पे लोकल जो बहुत एक मशहूर रेस्टोरेंट है ग्लेशियर ब्रीज के नाम से, और यहाँ पे इसकी काफ़ी पुरानी इन्होंने स्टेयर्स बनाई हैं बड़ी खूबसूरत सी, ये ट्रैक ऊपर जाता है, रात को यहाँ पे स्टेयर्स के साथ लाइटें भी चलती हैं। और इस रेस्टोरेंट का ऊपर से आके आपको व्यू दिखाता हूँ, यहाँ से वैली का व्यू भी बहुत अच्छा आता है और पीछे ग्लेशियर भी नज़र आता है। शाबाश।
हमने हाई टी का इंतज़ाम जो है बाहर बैठ के किया है। एप्रिकॉट केक जो है वो इस रेस्टोरेंट की स्पेशलिटी है और यहाँ पे इस एरिया में इनका बहुत दूर दूर तक ये फेमस है कि हम केक ट्राई करेंगे। साथ हमारे पास फ्रेंच फ्राइज़ हैं और राजा साहब कॉफ़ी पी रहे हैं, हम लोग चाय ट्राई कर रहे हैं। मेरा नाम अहमद अली ख़ान है, मैं शेफ़ ऑनर हूँ इस रेस्टोरेंट का। बेसिकली ऑनर है मेरे अंकल ऑस्ट्रेलिया में है। अच्छा, वो अच्छा। है फिर वालिद है दोनों। 2003 में मैंने ये स्टार्टिंग लिया था। मैंने कुछ ट्रेनिंग हासिल किया मुख्तलिफ होटलों से, फिर पीसी में प्रॉपर ट्रेनिंग हमें दिया आशु फाउंडेशन ने। फिर उसके बाद मैं 2003 में यहाँ पहुँच गया और यहाँ पे मुकामी एप्रिकॉट केक के नाम से एक केक इंट्रोड्यूस किया। फिर मैं बेसिकली मुख्तलिफ होटलों के साथ लिंक रखते थे, जाके बताते थे। सबसे पहले मैं इस हुसैन राजा के पास पहुँचा, इसने मुझे लिंक्स दिया गेस्ट पेंच या मार्को पोलो होटल गिलमित से। फिर मुख्तलिफ होटल से उनजा से गोजाल से मुझे भेजना शुरू किया, फिर मेरा केक बूस्ट हो गया। फिर उसी 2003 में लोनली प्लेनेट क्राकरम आई हुई के राइटर ऑस्ट्रेलिया से आके यहाँ का के गया, मुझे पता नहीं चला, उसने मेरे बारे में लिखा। अच्छा। किताब में जिक्र किया कि फिर नेक्स्ट 2004 से फिर मेरे पास गेस्ट आने लगे एज ए बैकपैकर टूरिस्ट। पूछने लगे केक के बारे में, फिर मैंने बनाना स्टार्ट किया। फिर इसी तरह मुख्तलिफ ब्लॉगर्स आपके जैसा मेरे पास पहुंचा, मुझे नेट पे चढ़ाया, फिर उससे ये बूस्ट हो गया। अहमद भाई का बहुत शुक्रिया कि इन्होंने हमें अपने रेस्टोरेंट के दो मग्स गिफ्ट किए। ये इनकी जो सोविनियर शॉप है उसमें अवेलेबल होते हैं, आप ख़रीद भी सकते हैं और बड़े खूबसूरत बने हुए हैं। जस्ट अप द हिल फॉर द फर्स्ट टाइम इन लाइफ मैंने इतनी तसल्ली से आइबेक्स देखा है यार, बिल्कुल हमारे सामने है। द टोटल सिक्स ऑफ देम, वो बड़े मज़े से टहल रहे हैं, घूम रहे हैं, कैमरे के अंदर इतने अच्छे से नहीं आ रहे क्योंकि उनका स्किन का कलर और पहाड़ का पीछे मिट्टी का कलर वो एक कैमोफ्लेज हो जाता है। तो अब मैं ये करूँगा कि मैं ड्रोन उड़ाऊँगा। आईफोन की बैटरी बहुत लो है, वो पीछे उड़ाया था तो अब उसको मैंने चार्जिंग पे लगाया है। मैं यहाँ कुछ देर इंतज़ार करता हूँ 5 मिनट, और उसके बाद अगर मैंने ये ड्रोन में फुटेज ले ली तो दिस इज़ एन अल्ट्रा रेयर थिंग। सुस्त में हूँ फिलहाल, पिछली एक्साइटमेंट नहीं उतर रही। मार्क और को जो शूट कर आईबेक्स को जो शूट कर लिया है, डैट इज वहाँ जहाँ शूट किया खैबर में थे तब हम, और वहाँ से अभी सुस्त तक मैं ड्राइव में सिर्फ वही आईबेक्स सोचता आया हूँ। अब कंजराब आगे वैसे भी बंद था और हम लोग लेट भी हैं, हम नहीं जा सकते क्योंकि आगे बहुत ज़्यादा ट्रैक पे स्नो है। ये पाकिस्तान का आखिरी फ्यूल स्टेशन है, इसके बाद कोई फ्यूल स्टेशन नहीं। अब सुस्त में टोटल 3 फ्यूल स्टेशन हैं, एक टोटल का, एक PSO का, एक अटक का है। वो दोनों बंद थे, वो पीछे थे, ये वाला लास्ट है। इसके बाद फिर सीधा अब हम बॉर्डर आगे जाएं तो बॉर्डर है, ये सुस्त का बाजार है और विच इज़ अ वेरी डिफरेंट। बड़े मज़े की फीलिंग आती है यहाँ पे आके कि दिस इज़ द लास्ट टाउन ऑफ पाकिस्तान। इस वक्त विंटर में हर चीज़ बंद है,
और बाजार में लड़के जो है वो सड़क के ऊपर फुटबॉल खेल रहे हैं. एवरीथिंग इज़ क्लोज्ड. यहाँ पे आपको जितने भी बोर्ड वगैरह नज़र आएंगे, स्टोर्स नज़र आएंगे, उनके अंदर सब इंग्लिश, उर्दू और चाइनीज़ के अंदर जो. सलाम सर, क्या हाल है? आप तो खुंजरा कैफे वाले नहीं हो? जी 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 जी. क्या हाल है ना भाई, कैसे हो? खैरियत से हो? ठीक ठाक. थोड़ा पहचाना? जी जी. हाँ हाँ और कैसे होता है? ठीक ना, दिल्ली के भाई है ना? जी जी, ना दिल्ली के भाई है. तो मैं वीडियो पर ये देखो यार, ये अभी लास्ट टाइम हम आए थे तो ये भाई हमें मिले थे खुजराब कैफे पे और उन्होंने मुझे पहचान लिया, उन्होंने पहचान लिया. और कैसे होता है? गुड टू सी यू यार, बहुत अच्छा लगा. तो आप कहाँ जा रहे हैं? तो चलो कैफे में चाय. मैं नहीं नहीं, आप भी अंकल के साथ जाते हैं, हम वहाँ से आपके भाई से मिलेंगे. आप शायद गेम कर रहे हो, फुटबॉल वगैरह खेल रहे हो? हमारा ये था कि शूटिंग के टूर्नामेंट हो रहा था इधर खुदाबाद में. अच्छा अच्छा. तो अभी रिसेंटली दो दिन हो गया, हमने फाइनल जीत लिया. शूटिंग क्या? गन शूटिंग? हार्ड बॉल. अच्छा अच्छा. बोलते तो छोटा बॉल होता. खुंजराब में कितना होता है यार? खुंजराब तो रात को बात ही नहीं करो, वैसे अभी तो नॉर्मल मौसम वैसे. अदरवाइज जो ना तकरीबन जाते हैं -35-40. तो आप लोग रात में जो ना, अभी रिसेंटली जो ना मौसम बेहतर है, थोड़ा बेहतर है, पहले इससे ज्यादा ठंडा था. हां पहले. तो आप रात -20 में गुजारते हैं? 20 में. पिछले साल मैंने खुद जो नोट किया था 25 था, -25 वो भी 11 o'clock. सो गाइस ये है वापसी पे, सुस्त पे दोबारा वापस आए हैं. गिरजा नीचे गांव है. समर में मैं यहां आया था अपनी फैमिली के साथ और ये बड़ा एक स्वीट सी यहां पे फैमिली है, उन्होंने हमें होस्ट किया था. यहाँ पे उनका रेस्टोरेंट भी है, कैफ़े भी है, नीचे इनका बड़ा खूबसूरत सा गांव है. ठीक ठाक खैरियत से. और ये वो जगह है जहाँ पे मुझे हनीफ बता रहा था कि -20 होता है रात को. इस गांव में मुश्तमिल ये गांव है सर, गिरचा के नाम से. गुली गिरचा के नाम से. गिरचा के नाम से, यानी कि इसमें 30 गांव आते हैं. हाँ, 32 घराने, एक गांव है, घराने जो घर है. अच्छा, 32 घर है जी सर. और इस ये जो मछली अपना नहीं है सर, ये पानी चश्मे का पानी है. और इसी से हमने वो अपना बिजली घर भी किया है. मतलब गाँव 22 मतलब घराने मिल के ना, तो अपने जो ना बिजली घर है इस गाँव का. और उसी बिजली घर से हमने जो ना फिश फार्म बनाया. ये स्कूलिंग से जब छुट्टी होता है ना बच्चों के लिए सर, उसके बाद जो है ना 2 घंटे के लिए लाइब्रेरी में बैठते हैं. अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक हो आप? खैरियत से? सही है. बच्चे भी स्कूल. अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है बेटा? कैसे हो आप? किस क्लास में हो? 1 में. क्या नाम है आपका? सलमा. अस्सलाम वालेकुम. क्या हाल है बच्चों? अस्सलाम वालेकुम. क्या हाल है, कैसे आप लोग? ठीक हैं, खैरियत से? अस्सलाम वालेकुम, शाबाश. स्कूल वगैरह तो हमारा अच्छा खासा बना हुआ है. बना हुआ है? हाँ, ये मतलब पर टाइम 2 घंटे के लिए आके बच्चे इतना अपना लाइब्रेरी में पढ़ते हैं. बाकी ये हमारा ट्रॉफीज है सर, तो इसमें ये हमारा जो है ना फीमेल्स के कप है. अच्छा अच्छा. तो ये 2002 में क्रिकेट नहीं ये 2018 के फीमेल्स के. बाकी ये जो है ना ये 2 इतनी खूबसूरत लाइब्रेरी बनाई है, बच्चे पढ़ रहे हैं. सर असल बात ये कि हम मतलब कोई कंपनसेट करने के लिए नहीं है, तो लगे लेकिन जज्बा है ना, जज्बा है. हमने स्टेप लिया, अल्लाह ताला कामयाब करे, वो बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा. हमारे क्लब ने स्टेप लिया था सर, गिरचे ईगल्स के नाम से हमारा पेज भी बना हुआ है. अच्छा अच्छा, जरूर इन्फॉर्मेशन आपको इंशाल्लाह. आ जाए सर. सर क्या हाल है, कैसे हो? कितनी लागत से बनाया सर ये? ये तकरीबन 80 लाख सर. 80 लाख का मतलब ये है ना सर कि अभी 32 घराने में मुश्तमिल जो भी इसका भी हमने मखसूस जो है मीटर लगाया है और उसके बिल जो ना कुछ ना कुछ आता तो कुछ वो फिर उसमें यूज. क्या कमाल के लोग हैं ये. दे लिविंग एट सच रिमोट प्लेस इन हार्श वेदर कंडीशंस जहां सर्वाइवल के लिए भी इंसान को मेहनत करनी पड़ती है. बट दे आर डूइंग सो मच एंड गिवन रिसोर्सेज व्हिच इज एब्सोल्युटली अमेजिंग. अपनी मदद आपके तहत क्या कुछ नहीं कर रहे ये लोग. स्कूल बनाया, लाइब्रेरी बनाई, वाटर मैनेजमेंट बनाया, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाई, सोलर इलेक्ट्रिसिटी बनाई, फिश फार्मिंग बनाई, एग्रीकल्चर बनाया, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी की सर्विसेज बनाई, बस सिवाय बहाने बनाने के सब कुछ ही बनाया. जो फार्म वाली ट्राउट होती है और जो नेचुरल वाटर वाली ट्राउट होती है उसमें कितना को फर्क है? नहीं फर्क है, ये फॉर्म तो होता है सर लेकिन इस पानी में टेस्ट होता है, असर पानी में होता है. पानी का कमाल है क्योंकि इस पानी में जो है ये वो टेस्ट है कि ये मछली बहुत मीठा पानी और टेस्ट भी सही है. ये भी मैं सबसे मतलब
साल में यहाँ पे तैयार होता है। दो साल लगता है। हाँ, ये है बिल्कुल फ्रेश निकली हुई, बहुत खूबसूरत कलर है और अभी इट्स लाइक थोड़ी जिंदा है, हिल रही है, खूबसूरत सी ट्राउट है। हे हाउ आर यू, वी आर रेडी टू ईट यू आफ्टर सम टाइम। तो भाई ने मुझे बताया, मुझे ठंड लग रही है। इन्होंने जनवरी में माइनस कितना, अभी जितना भी टेम्परेचर है, माइनस 13 में स्विमिंग कंपटीशन में हिस्सा लिया ये दरिया में। वो भी दरिया में, जब जूही में तैरते हुए उस साइड पे निकला, वापसी में मैंने कहा भाई अभी बस, मैंने बस सिंपल सी एक मौत करीब से देखा, इतना ठंड था। हाँ, खो में आंखें डाल के इस साइड पे निकले। फिर शुक्र है कि उन्होंने मतलब अच्छा अरेंजमेंट किया था। इतने ठंडे पानी में जब एकदम से बॉडी जाता है तो फील क्या होता है? मैं जूही असल में एक टेम्परेचर करना होता ना, मुझे नहीं पता नहीं था, क्योंकि इससे पहले दो साल लड़कों ने किया, मेरा पहली दफा था जूही। उन्होंने मतलब वो टेम्परेचर करना होता है, पानी में थोड़ा पाव रखना होता है, मेरा जो ना सारे जिस्म दिल मिल सा बंद हो गया। तैरते तैरते उस साइड पर निकला, उस साइड पर निकला तो कुछ भी नहीं था, अब वापस इस साइड पर आना था, क्योंकि इधर जो ना आग का सिस्टम था। ये चेक करे भाई, इनके पास भी सर स्टार्ट नहीं होता है, सुबह स्टार्ट नहीं होता है, इसलिए जो है इसको बिस्तर। इतनी ठंड है यहाँ पे कि इधर सर्फ भी कंबल मांगती है। हम ऊपर इनके रेस्टोरेंट में आ गए, यहाँ पे बस चाय पियेंगे, मगरिब का टाइम है, सनसेट होने वाला है। ये अंदर हीटर वीटर लगाया हुआ है, बेहतरीन व्यू है। तो हम तो निकलना चाह रहे थे, तो उन्होंने इंसिस्ट किया चाय पी के निकले, तो बस निकलते हैं फिर चाय पी के, एंड देन बैक टू गुलमथ।